ंडरइटिंग ऑफ शेयरचर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो वी हैव ऑलरेडी कम्पलीटेड दॉपिक ऑफ अकाउंटिंग फॉर ट्रांसलेन ऑफ करेंसी एस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन काफी अच्छी तरीके से हमने उसको प्रिपेरेशन कर लिया है और मैंने टेलीग्राम पे भी पी डी एफ शेयर किया है और तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लास्ट मिनिट रिविजन भी दारे सेम टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले वहां पर काफी सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे ई मिलते रहेंगे लास्ट मिनट रिवीजन के कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे वहाँ पे तो सारे के सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे मैं शेयर करते रहता हूँ तो वहाँ पे आप ज्वाइन जरूर कर ले सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मोर देन 600 डाउनलोड्स आ चुका है ऐप का अगर आप ऐप के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ऐप का लिंक वहाँ से डाउनलोड करें काफ़ी सारे वीडियोज़ वहाँ पर फ्री है और कुछ पेड कोर्सेज भी वहाँ पर अवेलेबल है तो कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है ऑफ टी वाई बी कॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग टी वाई बी कॉम एम कॉम पार्ट वन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टैक्सेशन का लास्ट मिनट रिविजन है इनडायरेक्ट टैक्सेस के कोर्स जीएसटी का कोर्स अभी नया लॉन्च हुआ है एज वेल एज़ क्रैश कोर्सेज भी लाए हैं जिन बच्चों को कंप्लीट कोर्स में इंटरेस्ट नहीं है वो क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है एज वेल एज़ एम के भी कोर्स अवेलेबल है ताकि लास्ट मिनट में क्या पढ़ना है आपको एम उसका पहले से ही हम प्रिपरेशन साइड बाय साइड करते रहे काफ़ी नॉमिनल फीस है और स्पेशल डिस्काउंट आपके लिए सिर्फ आपके लिए Uh, कुछ दिनों के लिए फ्रॉम ट्वेंटी थर्ड से लेके 26 ट्वेंटी सिक्स तक आपको ये कूपन अप्लाई करना है अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो काफ़ी बच्चों ने इसका एडवांटेज लिया है अगर आप लेना चाहते हैं तो टाइम वेस्ट ना करें दिस इज़ द बेस्ट ऑफ़र फॉर ऑल ऑफ़ यू फिफ्टी परसेंट ऑफ़ मिल रहा है आपको हर एक कोर्स के ऊपर सिर्फ आपको कूपन कोड अप्लाई करना है रिपब्लिक फिफ्टी तो रिपब्लिक फिफ्टी अगर आप कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको उसमें फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा एंड दैट विल बी फॉर यूअर हेल्प ताकि आपको जिन बच्चों को फीस में प्रॉब्लम हो रहा था काफ़ी नॉमिनल फीस है अगर आप ऑफलाइन की कंपैरिजन में देखो तो काफ़ी नॉमिनल फीस है ताकि जो भी ऐप का एक्सपेंडिचर वगैरह होता है वो सारा चीज़ निकल पाए तो दिस इज द पॉइंट पेड कोर्स भी आपके पास अवेलेबल है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है वहां से जाके पेड कोर्स को जरूर चेक करें तो दिस इज दाइनटी नाइन में आपको मिलने वाला है आपको सिर्फ कूपन कोड अप्लाई करना है रिपब्लिक फिफ्टी ट्वेंटी थर्ड से मतलब आज से लेके ट्वेंटी सिक्स जनवरी तक आपको कोर्सेस अवेलेबल रहेंगे जिसपे डिस्काउंट रहेगा बाकी फिर बाद में फिर नॉर्मल फीस उसकी हो जाएगी फिफ्टी परसेंट ऑफ है एमसीक्यूज का भी कोर्स है क्रैश कोर्स है एक बार चेक जरूर करना ताकि आपको पता चले हम किस तरीके से प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आप साइड बाय साइड कमेंट करते रहे ताकि मुझे भी पता चले आपके क्या क्या क्वेरीज है या आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो भी इसका कमेंट आप करते रहे So आपको पता चले एग्जैक्टली exactly कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में यू आर वेरी मच क्लियर विद द कंसेप्ट शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आज का पॉइंट रिलेटेड टू अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स विथ फुल कंसेप्ट क्लैरिटी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वेरी सिंपल टू स्कोर एंड यू कैन स्कोर इजिली फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर तो हमने फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन ए एस इलेवन का जो चैप्टर था हमारा दैट वॉज बीन कम्प्लीटेड आई हैव ऑल्सो गिवन यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन तो पी डी एफ आपने डाउनलोड कर लिया होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते रहे ताकि जितने भी बेसिक्स है चैप्टर से रिलेटेड वो सारे आपके रिवाइज हो सके तो so, आज हम शुरू करेंगे हमारे चैप्टर नंबर सेकेंड के साथ And chapter number 2nd that is called as underwriting of shares and debentures. So, first of all, we should understand the important concept of underwriting of shares and debentures so that the chapter will be very much easier for you to understand, and the practical questions will be on your fingertips Then, so First of all, we will understand what is underwriting. Pehle hum hai ki underwriting ka meaning क्या है अब अंडर राइटिंग का मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया तो ये चैप्टर बहुत ईजी है और अंडर राइटिंग का मीनिंग समझाने के लिए विल तो बी टेकिंग एन एग्जाम्पल सो दैट आपका थोड़ा सा जो तो पॉइंट है वो क्लियर हो सके देखो अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल लेंगे सो दैट आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए एक कंपनी है देर इज अ कंपनी एंड वी विल टेक द नेम ऑफ द कंपनी एज एक्स वाई जेड कंपनी एक्सवाई जेड नाम की एक कंपनी है जो नई कंपनी है न्यू कंपनी है और ये जो एक्सवाई जेड नाम की कंपनी है ये मार्केट में शेयर्स इशू करना चाहती है एक्सवाई जेड कंपनी वॉन्ट्स टू इशू शेयर्स इन द मार्केट दे वॉन्ट टू इशू शेयर्स टू द पब्लिक तो द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन यूर माइंड शेयर्स इशू करना पब्लिक को क्या इतना सिंपल है आप जानते ही है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हर्षद मेहता स्कैम आपने देखा ही होगा वेब सीरीज तो बहुत सारे इसमें पॉइंट अराइज होते हैं हेवी के बहुत सारे गाइडलाइंस है बहुत सारे रूल्स है बहुत सारे रेगुलेशंस है अगर हम बात करें तो क्या है बहुत सारा रिस्क है बहुत सारा रिस्क है इसका रिस्क है नॉन सब्सक्रिप्शन का रिस्क है इसका रिस्क है नॉन सब्सक्रिप्शन का रिस्क है मतलब अगर हमने शेयर्स इशू करने चाहे और कम, जो पब्लिक थी उन्होंने हमारे शेयर्स को परचेज ही नहीं किया तो प्रॉब्लम अराइज़ हो जाएगा और ये प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे कंपनी का जो गुडविल होगा एक्स वाई जेड का जो गुडविल होगा वो मार्केट में कम होगा दैट इज वाई देर इज अ प्रॉब्लम That whenever company wants to issue shares to the public, there is a problem of non-subscription. ye ये सबसे बड़ा इश्यू फेस होता है नॉन ka का और अगर हम एक नए रूल की बात करें जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में आया लाया है एंड दैट इज कि 90% परसेंट ऑफ द शेयर्स जो है 90% परसेंट ऑफ द शेयर्स जो होंगे तो इशूड होंगे अगर वो सब्सक्राइब नहीं हुए नाइन्टी परसेंट सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर नाइन्टी परसेंट ऑफ द शेयर्स जो इशू हुए वो सब्सक्राइब नहीं हुए विद इन वन ट्वेंटी डेज एक सौ बीस दिन के अंदर अगर वो सब्सक्राइब नहीं हुए तो जितने भी पैसे हमें मिले होंगे जितने भी लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे शेयर्स परचेस करने के लिए उनका फुल अमाउंट हमें रिफंड करना पड़ता है अमाउंट शुड बी रिफंडेड वेन इट विल बी रिफंडेड इफ नाइन्टी परसेंट ऑफ द इश्यू इज नॉट सब्सक्राइब विद इन वन ट्वेंटी डेज एक सौ बीस दिन के अंदर अगर सब्सक्रिप्शन नाइन्टी परसेंट का नहीं हुआ तो पूरा का पूरा पैसा हमें रिफंड देना पड़ेगा एंड दैट इज वाई देर इज लॉड ऑफ रिस्क और ये जो रूल आया है टू थाउजेंड थर्टीन के इंडियन कंपनीज एक्ट में उसके वजह से प्रॉब्लम अराइज होता है कि कंपनी जब शेयर्स करना चाहेगा तब सबसे पहला तो प्रॉब्लम होता है नॉन सब्सक्रिप्शन का सेकेंड जो प्रॉब्लम होता है वो ये रूल है नहीं 90% ऑफ द सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए 120 दिन के अंदर वरना सारा का सारा पैसा हमको रिफंड करना पड़ेगा फिर इधर होती है हीरो की एंट्री और जो हीरो है हमारे लिए इस चैप्टर में वो है कुछ पर्संस चलो हम पर्संस से एग्जांपल लेंगे कम हमारे लिए यहां पे हीरो है तीन लोग एक है हमारा ए सेकेंड है हमारा बी और थर्ड है हमारा सी ये लोगों का मार्केट में काफी अच्छा होल्ड है ये लोग मार्केट में काफी ज्यादा फेमस है काफी काफ़ी अच्छे रिलेशन है दे कैन बी जॉइंट स्टॉक कंपनी दे कैन बी पार्टनरशिप दे कैन बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हु हैव अ लॉट ऑफ होल्ड इन द मार्केट हु हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स रिलेटेड टू मार्केट एवरीबडी नोज देम दैट इज वाई द पॉइंट अराइजेस तो ये तीन लोग हमारे लिए हीरो बन गए ये तीन लोगों ने कंपनी को क्या कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आप डायरेक्टली अगर मार्केट में इश्यू करने जाओगे पब्लिक को तो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी कि नॉन सब्सक्रिप्शन हो सकता है और जो नाइन्टी परसेंट वाला रूल है वो आपको प्रॉब्लम देगा तो इसीलिए कंपनी क्या करता है कंपनी इन पर्सनस के पास जाता है और इन पर्सनस को बोलता है कि आप हमारे शेयर्स को परचेस कर लो आप गारंटी ले लो तो ये पर्सनस कहते हैं कि हम आपके शेयर्स को बेचने की गारंटी लेते हैं और क्या करते हैं एक एग्रीमेंट कर लेते हैं दे आर डूइंग एन एग्रीमेंट तब कंपनी क्या करता है कंपनी इन लोगों के पास जाता है बिकॉज इनका काम ही वो है कि शेयर्स को सब्सक्राइब करके देना बिकॉज एवरीबडी नोज देम वो लोग कंपनी के बिहाफ पे शेयर्स को मार्केट में बेचेंगे और ये जो नाइन्टी परसेंट वाला रूल है कंपनी फंस ना जाए या नॉन सब्सक्रिप्शन के क्लॉज में फंस ना जाए इसलिए दे विल टेक द गारंटी सो सिंस दे आर टेकिंग अ गारंटी देर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द पर्सन तो इन्ही पर्सनस को बोला जाता है अंडर आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है इन्हीं पर्सन को बोला जाता है अंडर राइटर्स एंड एवरीबडी नोज दैट कोई भी आज फ्री में काम नहीं करता तो इनको क्या कंपनी के बेसिस पे इनको कमीशन दिया जाता है कंपनी विल पे देम कमीशन इसको क्या बोला जाता है दिस इज कॉल्ड एज अंडर राइटिंग कमीशन तो अंडर राइटिंग कमीशन ये कमीशन कंपनी पेमेंट करेगा उन पर्सन को रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेलिंग द शेयर टू द पब्लिक एंड कंपनी प्रॉब्लम में ना फंस जाए नॉन सब्सक्रिप्शन के या फिर जो हमारा रूल है उसमें ना फस जाए इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कंपनी के बेसिस पे शेयर्स को बेचने का एक टारगेट लेते हैं कि हम इतने इतने शेयर्स को बेचेंगे तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मैं आपको और एक पॉइंट इसमें बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल हमारी जो कंपनी थी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड ये जो कंपनी थी ये टू लैख शेयर्स इशू करना चाहती थी दे वॉन्ट टू इशू टू लैख शेयर्स ठीक है टू लैख शेयर्स इशू करना चाहती थी ए ने कहा आई विल बी टेकिंग द रेस्पांसिबिलिटी टू शेयर सेल वन लाख फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स मतलब एक ए ने क्या कहा है कि मेरा मार्केट में इतना होल्ड है कि मैं एक लाख पचास हजार शेयर्स आपके बेच दूंगा ठीक है फिर बी ने कहा मेरा एज इतना होल्ड नहीं है लेकिन मैं आपके थर्टी थाउजेंड शेयर्स को बेचूंगा आई विल बी सेलिंग यूर थर्टी थाउजेंड शेयर्स सिमिलरली सी ने क्या कहा आई विल बी सेलिंग यूर ट्वेंटी थाउजेंड शेयर

सब्सक्रिप्शन में नहीं फंसेगी बी बोलता है मैं थर्टी थाउजेंड शेयर्स बेचूंगा अगर वो ट्वेंटी नाइन थाउजेंड शेयर्स भी बेचा उसने तो वन थाउजेंड शेयर्स वो खुद परचेस कर लेगा सी जो है वो ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स बेचना चाहता है उसने अगर नाइनटीन थाउजेंड बेचे तो भी वन थाउजेंड शेयर्स वो खुद परचेस कर लेगा मतलब कंपनी को, को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अभी ये लोग इतना जो भी सेल करने वाले हैं उसके बदले में मैंने अभी आपको बताया दे आर चार्जिंग कमीशन दे आर चार्जिंग वॉट दे आर चार्जिंग कमीशन और एस पर दंपनीज एक्ट टू थाउजेंडी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है अगर हम शेयर्स की बात करें तो फाइव परसेंट ऑन शेयर कमीशन मिलेगा मतलब अंडर राइटर्स को पेमेंट करना पड़ेगा और अगर डिबेंचर्स की बात करें तो थोड़ा सा रिस्क कम है तो टू पॉइंट फाइव परसेंट डिबेंचर्स पे कमीशन हमें पेमेंट करना पड़ेगा अंडर राइटर्स एंड याद रखना ये जो दो जो कमीशन की बात करेंगे हम कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑन इशू प्राइस जो भी आपकी इशू प्राइस होगी पे कमीशन जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा अब वन लैख फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स ए ने बोला कि आई विल बी टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी बी ने थर्टी थाउजेंड शेयर्स और सी ने ट्वेंटी थाउजेंड शेयर अब मार्केट में शेयर्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी अब मार्केट में शेयर्स इन्होंने बेचना शुरू कर दिया अब कंपनी को कैसे पता चलेगा कि ए ने कितने शेयर्स बेचे हैं ए ने कहा था वन लैक फिफ्टी लेकिन बाद में सब कुछ मिक्स हो जाएगा ए ने बेचे बी ने बेचे या सी ने बेचे किस तरीके से पता चलता है तो उसके लिए क्या होता है उसके लिए ए जब अपने शेयर्स को बेचेगा तब उसके ऊपर ए का स्टैंप मार के देगा ए विल पुट हिज स्टैंप सो दैट इट विल बी एन आइडेंटिफिकेशन फॉर द कंपनी कि इतने शेयर्स ए ने बेचे जब बी अपने शेयर्स बेचेगा तो बी भी, भी उसका एक स्टैंप करके देगा कि दिस इज माई स्टैम्प सो दैट कंपनी शुड नो एंड सिमिलरली इट विल बी डन बाई सी ऑल्सो वो भी अपना एक स्टैंप कंपनी को पता चलना चाहिए इसके बेसिस पे देगा अब ध्यान से कंसेप्ट समझना जिस शेयर्स पे किसी भी अंडर राइटर्स का स्टैंप होगा उसे हम इस चैप्टर में कहते हैं मार्क एप्लीकेशंस इट इज कॉल्ड एज मार्क एप्लीकेशंस मतलब मार्क एप्लीकेशंस का मतलब यह होता है कि इतने शेयर्स किसी न किसी अंडर राइटर्स ने सेल किए हैं जिस किसी का भी उसके ऊपर स्टैम्प होगा वो स्टैम्प के बेसिस पे पता चलेगा कि इतने शेयर्स ए ने सेल किए इतने शेयर्स बी ने सेल किए सिमिलरली द प्रोसीजर गोज ऑन और जिस किसी एप्लीकेशंस पे किसी का मार्क नहीं होगा उसे हम कहेंगे अनमार्क एप्लीकेश दिस इज दंसेंग ऑफ शेयर काफी सिंपल तरीके से आपको इसका समझाया है आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्ट कि अंडर राइटर्स का रोल क्यों आता है अंडर राइटर्स का रोल इसीलिए आता है कि कंपनी डायरेक्ट पब्लिक को शेयर्स बेचने जाएंगे तो देर विल भी अ प्रॉब्लम ऑफ नॉन सब्सक्रिप्शन एंड देर विल बी ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ नाइन्टी परसेंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन होना चाहिए नहीं हुआ 120 दिन के अंदर तो पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा इसीलिए रोल आता है अंडर राइटर्स का तो अंडर राइटर्स क्या करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम आपके शेयर्स को बेच के देंगे उसके बदले में आप हमें कमीशन देना एंड दैट कमीशन इज कॉल्ड एज अंडर राइटिंग कमीशन कभी कभी एक पॉइंट अराइज होता है यहाँ पेटर्स कहते हैं कि हम आपके शेयर्स पब्लिक को नहीं बेचेंगे हम आपके शेयर्स खुद ही परचेस कर लेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज फर्म वो हम आगे सीखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको एग्जांपल से मैंने क्लियर किया है अब काफी इजी जाएगा आपको समझने के लिए वॉट इज अंडर देखो एन अंडर राइटिंग एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड सर्टन पार्टी नोन एज अंडर तो अभी हमने कंसेप्ट से समझ लिया है कि एग्जाम्पल से क्या है अंडर राइटरेशन विच इज नोन एज अंडर राइटिंग कमीशन ऑब्वियसली अंडर राइटर फ्री में काम तो करने वाले हैं नहीं जो भी वो एग्रीमेंट कंपनी के साथ करते हैं जो भी शेयर्स बेचने का काम करते हैं उसके बदले में दे चार समथिंग एंड द समथिंग इज कॉल्ड एज अंडर राइटिंग

तो उसके लिए ए जो एप्लीकेशन पे मार्क कर लेगा खुद का स्टैंपिंग कर लेगा एंड दैट इज इज इट कॉल्ड एज मार्क एप्लीकेशन तो ऐसे एप्लीकेशन जिसके ऊपर अंडर राइटर का मार्क होता है दैट टाइप ऑफ आर कॉल्ड एज मार्क और ऐसे एप्लीकेशन जिसके ऊपर किसी का भी मार्क नहीं होता दैट इज कॉल्ड एज अनमार्क एप्लीकेशन सो अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं अनमार्क एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म्स रिसीव्ड बाय द कंपनी विदाउट एनी स्टैम्प ऑफ एनी ऑफ द अंडर राइटर्स आर नोन एज अनमार्क एप्लीकेशन्स मतलब वो डायरेक्टली कंपनी ने सेल किए हुए शेयर्स होंगे जो किसी भी अंडर राइटर्स ने शेयर्स share, को सेल नहीं किया है ऐसे कंसेप्ट को बोला जाता है अनमार्क एप्लीकेश तो द अंडर राइटर्स इफ सेल शेयर्स ही विल पुट द स्टैम्प ऑफ इज ओन सो दैट कंपनी आइडेंटिफाइज की दिस अंडर राइटर हैज सोल्ड शेयर बट वेन एवर दर इज नो स्टैम्पिंग डन ऑन दी एप्लीकेशन इट विल बी कॉल्ड एस अनमार्क एप्लीकेशन तो जो अनमार्क एप्लीकेशन होगा उसका भी बेनिफिट कंपनी क्या करता है खुद के पास नहीं रखता बिकॉज अंडर राइटर ने बोला था कि हम इतने इतने शेयर्स बेचेंगे इसलिए जो जिस शेयर्स के ऊपर किसी भी अंडर राइटर का मार्क नहीं होता उसका भी बेनिफिट अनमार्क एप्लीकेशन का भी बेनिफिट कंपनी क्या करता है अंडर को ही देता है उनके ग्रॉस लाइबिलिटी का जो रेशियो होता है उसके बेसिस पे सबको उसका बेनिफिट मिल जाता है तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइप्स ऑफ अंडर की बात करेंगे इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त डिटेल में डिस्कस करने वाले कंडीशनल अंडर राइटिंग कंडीशनल अंडर राइटिंग की बात करेंगे तो अंडर राइटिंग एग्रीज टू टेक अप एग्रीड प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स नॉट टेकन बाय द पब्लिक मतलब कुछ प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स यहाँ पे अंडर राइटर्स लेने का काम करेंगे दैट इज कॉल्ड एज दी कंडीशनल अंडर राइटिंग लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर इज कंडीशनल ही इज लाइबल ओनली वेन द इशू इज अंडर सब्सक्राइब वो लोग लाइबल होंगे कभी लाइबल हो, लाइबल होंगे तभी जब कंपनी का इशू जो रहेगा वो अंडर सब्सक्राइब होगा अगर इशू सब्सक्राइब हो जाएगा फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा तो अंडर राइटर का रोल नहीं आएगा लेकिन अगर इशू अंडर सब्सक्राइब होगा तो अंडर राइटर कहेंगे कि बाकी के शेयर्स हम लोग परचेस कर लेंगे Second होता है फर्म फर्म में मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताया इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे फर्म अंडर राइटिंग में क्या होता है अंडर राइटर्स कहते हैं कि इस कंपनी में मैं ही खुद इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं ही आपके शेयर्स परचेस कर लेता हूं मैं किसी बाहर वाले पब्लिक को ये शेयर्स नहीं बेचूंगा दैट इज कॉल्ड एज फर्म अंडर राइटिंग फर्दर अगर बात करें तो नेक्स्ट इज फुल अंडर राइटिंग तो फुल अंडर राइटिंग की बात करेंगे तो व्हेन वेन एंटायर इशू इज अंडर रिटर्न इट इज कॉल्ड एज फुल फुल्डर राइटिंग मतलब एक लाख शेयर्स कंपनी इशू करना चाहता था पूरा का पूरा इशू अंडर राइटर ने अंडर रिटर्न कर लिया है तो उस केस में इट इज कॉल्ड एज फुल अंडर राइटिंग ऐसे केस में जो बेनिफिट होता है वो अंडर राइटर्स को ही दिया जाता है एज पर द ग्रॉस

और बाकी अगर कुछ सरप्लस बचता है फिर अंडर में उनके ग्रॉस लाइबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड होता है दिस इज ऑल थेरोटिकल कंसेप्ट मैंने तो आपको एग्जाम्पल से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है आई होप कि एग्जाम्पल से ही आपको सब कुछ समझ में आया होगा जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और थोड़ा सा इसको ओवरव्यू लेते रहेंगे इसका जो हमने कंसेप्ट आज पढ़े हैं

और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी पता चले हम किस तरीके से प्रिपरेशंस कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर